हाल ही में शादी के बंधन में बंधी नेहा पेंडसे को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। नेहा पेंडसे के पति पर कई तरह के सवाल उठाए गए। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शार्दुल सिंह ब्यास के साथ नेहा ने 5 जनवरी को मराठी रीति रिवाजों के साथ शादी की। नेहा ने मीडिया को बताया कि उनके पति शार्दुल का 2 बार तलाक हो चुका है और शार्दुल के बच्चे भी हैं, जिसके बाद लोगों ने नेहा को कर दिया काफी ज्यादा ट्रॉल। और अब पति के तलाकशुदा होने को लेकर ट्रॉल हुई नेहा का स्टेटमेंट इसी मुद्दे पर सामने आ चुका है। एक इंटरव्यू में नेहा ने कहा, हाँ, मेरे पति शार्दुल की 2 बार शादियां हो चुकी हैं। हर शादी से उनकी एक एक बेटी है। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया। मैं इस बारे में सब जानती हूँ और वो भी तब से जब से मैं उन्हें जानती हूँ। नेहा यहीं नहीं रुकी, आगे वो कहती हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी यहाँ नहीं रुक जाती। शार्दुल बड़ी अच्छी तरह से सब कुछ बैलेंस करते हैं। शुरू से ही वो सीरियस थे, लेकिन मेरे पहले ब्रेकअप की वजह से मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहे। मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि काम से काम रखते हैं। मुझे जो उनकी बात अच्छी लगी, वो दूसरी और तीसरी मुलाकात में ही समझ आ गई कि उन्होंने मुझे सीधे कहा, मैं तुम्हें डेट कर तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। इस पर मैंने कहा, मैं 35 साल की हूँ, 20 की नहीं। देखते हैं कैसे चलता है या नहीं, और ना ही मैं वर्जन हूँ। लोग क्यों उनके तलाकशुदा होने पर बात कर रहे हैं, मैं भी तो वर्जन नहीं हूँ। मैं उनकी तारीफ करती हूँ कि उन्होंने शादी पर भरोसा जताया। मेरे मामले में तो शादी तक बात आते आते आदमी लापता हो गया। नेहा आगे कहती है, शादी से पहले मैं 3 बार रिलेशनशिप में रही हूँ, हालांकि किसी से मेरा रिश्ता लंबा नहीं चला। इन असफलताओं ने ही मुझे मजबूत बनाया है। नेहा को नहीं है कोई भी परेशानी पति के तलाकशुदा होने से, और यकीन मानिए, तलाकशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात यह है कि नेहा और शार्दुल दोनों एक दूजे के साथ हैं, दोनों एक दूजे के साथ खुश हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।